आज मैं आपके सामने बलून की ड्राइंग बनाऊंगी। इसके लिए हम यहाँ पे बलून बनाएंगे। सबसे पहले इस तरफ का मैं बलून बना रही हूँ। यहाँ से लिया हमने कर्व, देन इस तरह से ओवल शेप बनाते हुए यहाँ पे कर्व। अब इसके नीचे की ड्राइंग बनानी है हमें, लाइक दिस। बलून के अंदर की ड्राइंग बना देंगे। छोटे से कर्व बनाते जाना है। आप चाहे तो सर्कल्स बना के कोई दूसरी ड्राइंग डिजाइन भी दे सकते हैं। अब हम बनाएंगे एक और बड़ा बलून। ये हमने बलून की स्ट्रिंग बना दी है। अब हम बनाएंगे यहाँ पे एक बड़ा बलून। उसके लिए भी हम सेम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कर्व, यहाँ ओवल शेप देते हुए। यहाँ पे हम कर देंगे एंड। नीचे का सेम डिजाइन बनानी है, लाइक दिस। अंदर की भी डिजाइन बनाएंगे। मैंने दोनों बलून में सेम डिजाइन बनाई है। आप चाहे तो इसको कुछ डिफरेंट डिफरेंट शेप्स दे सकते हैं या प्लेन भी रख सकते हैं। अगर छोटे बच्चे इसको बना रहे हैं, वो चाहे तो थोड़ी सी अपनी पेरेंट्स की हेल्प भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे जो ये खाली पोर्शन है, इसमें मैं एक बर्ड बनाऊंगी। बर्ड बनाने के लिए पहले हम उसका फेस बनाएंगे। उसकी आईज, बीक और उसका बॉडी का पार्ट। अब ये बर्ड इसमें बलून में कलरिंग बन कर रही है, ऐसा हम ड्राइंग बनाएंगे। तो हम इसको हाथ में एक क्रेयॉन दे देंगे। अब ये जो नीचे का पोर्शन खाली पड़ा है, इसमें मैं कुछ डिजाइन बना देती हूँ। क्योंकि ये बलून आकाश में है, तो मैं इस तरह से यहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स बना देती हूँ। इसके लिए आप स्केल का यूज करिए। अब इसको मैं ज्वाइन कर दूंगी। बिल्डिंग में कहीं कहीं पे विंडोज बना देंगे। अब हम कलरिंग स्टार्ट करेंगे।
कलरिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं बर्ड में कलर करूंगी। उसके लिए मैंने येलो कलर लिया है। इस तरह से ये बर्ड में मैंने येलो कलर किया है। आपने देखा है कि मैंने बर्ड के कुछ पोर्शन में येलो कलर छोड़ दिया है, जैसे यहाँ पे मैं ऑरेंज कलर कर रही हूँ। साथ ही में जो मैं इधर भी कहीं कहीं छूटा हुआ है वहां पे मैं वो ऑरेंज कलर करती हूँ, तो ये हमें एक तरह से शेडिंग जैसा लगेगा, उससे हमारी बर्ड बहुत ही खूबसूरत लगेगी। आप भी स्लोली स्लोली इस तरीके से करिए तो उसमें ये मिक्स हो जाएगा कलर। तो ये हमारी बर्ड येलो और ऑरेंज दो शेड में बन गई है इस तरह से। अब इसकी बीक में मैं ब्राउन कलर कर देती हूँ। जो इसने कलर लिया है उसमें मैं रेड कलर दे रही हूँ। कलरिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं पिंक कलर कर रही हूँ। इस तरह से यहाँ पे और यहाँ पे मैंने डार्क पिंक कलर करा है। अब मैं यहाँ पे और यहाँ पे ये वाला पर्पल कलर कर रही हूँ। इस तरह से यहाँ और यहाँ मैंने पर्पल कलर किया है। अब मैं यहाँ पे और यहाँ पे ग्रीन कलर कर रही हूँ। मैंने इस बलून के इस पोर्शन में और इस पोर्शन में लाइट ग्रीन कलर करा है। अब मैं यहाँ पे और यहाँ पे येलो कलर कर रही हूँ। कलर हमेशा आपको एक ही डायरेक्शन में करना है, या तो आड़ा या वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली, उसको ऐसे अलग अलग तरीके से नहीं करना है। अब जो ये वाला पोर्शन है इस पोर्शन में मैं ब्राउन कलर करूंगी। इस तरह से बलून के इस पार्ट में और इस पार्ट में मैंने ब्राउन कलर करा है। अब मैं जो ये वाला पार्ट है छोटा सा, इसमें भी ब्राउन कलर कर रही हूँ। जो बलून का खाली पार्ट है उसमें मैं लाइट ब्लू कलर कर रही हूँ इन दोनों बलून में। इस तरह से बलून दोनों बलून्स में मैंने लाइट ब्लू कलर की ड्राइंग कर दी है। अब ये जो पीछे हाउस बने हैं इनकी विंडोज में मैं सब में ऑरेंज कलर करूंगी। कलर कॉम्बिनेशन आप कोई भी अपने पसंद का ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मैंने जो कलर कॉम्बिनेशन लिया है वो आप लें। अब ये जो हाउसेस बचे हैं इसमें मैं डार्क ग्रीन कलर करने वाली हूँ। इस तरह से यहाँ पे मैंने ये डार्क ग्रीन कलर किया है और मेरी बलून वाली ड्राइंग कंप्लीट हो गई। थैंक यू।